भानुप्रतापपुर उपचुनाव की बात करेंगे। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है, सुबह 11:30 बजे राजीव भवन में होने वाली इस बैठक में प्रत्याशी चयन पर फिर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण बैठक में सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम मौजूद रहेंगे। बस्तर से फीडबैक लेकर मोहन मरकाम लौटे हैं और चर्चा इस बैठक में की जाएगी। भानुप्रतापपुर प्रत्याशी चयन पर चर्चा होनी है। हालांकि सावित्री मंडावी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन किसके नाम पर मुहर लगेगी ये अब तक साफ नहीं हो सका है। अटकलें लगाई जा रही हैं सावित्री मंडावी के नाम की, लेकिन अब तक कांग्रेस प्रत्याशी चयन नहीं कर सकी है। मशक्कत की जा रही है क्योंकि भानुप्रतापपुर सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। चलिए और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं रायपुर का। गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, ये जो लंबी मशक्कत चल रही है ये बताता है कि कितनी महत्वपूर्ण सीट है और इसीलिए इतनी जद्दोजहद में दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं प्रत्याशी चयन में। जी बिल्कुल, देखिए जय, आपने एकदम सही कहा कि जद्दोजहद जारी है और यही बताने के लिए काफी है कि एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस की जो है दूसरी बार चुनाव समिति की बैठक हो रही है। पहली बार जो बैठक हुई थी उसमें 14 नामों पर का एक पर सहमति बनी थी, सामने आए थे 14 नाम और उसके बाद उस पर मंथन किया जा रहा था। खुद प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के मोहन मरकाम वो भानुप्रतापपुर गए हुए थे और वहाँ पर लोगों से फीडबैक लिया जा रहा था, सर्वे भी कराया गया इन सभी नामों पर कि कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा अच्छा रहेगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक प्रकार से ये जो पूरा चुनाव हो रहा है उपचुनाव, वो उपचुनाव को हम यदि देखें तो सेमीफाइनल के तर्ज पर देखना पड़ेगा, क्योंकि 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लेकर ये दोनों ही पार्टी के लिए बहुत अहम हो जाता है। यदि हम आज के चुनाव की बात, आज के बैठक की बात करें तो आज के बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और तमाम वो कार्य समिति के जो चुनाव समिति के बैठक में जो शामिल होने वाले नेता है वो रहेंगे और तीन नामों का पैनल तैयार किया जाएगा और तीन नामों के पैनल को जो है वो हाईकमान को सौंपा जाएगा। 17 तारीख से जो नामांकन है वो शुरू होना है, तो दोनों ही प्रमुख दल जो है वो अपने प्रत्याशी के नाम को जो है जल्द से जल्द घोषित करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस के यदि हम बात करें तो कांग्रेस से जो जिनकी सीट खाली हुई थी स्वर्गीय मोहन मंडावी की, उनकी पत्नी जो है सावित्री मंडावी, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया था कि उनके जो वहां के कार्यकर्ता हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनकी इच्छा के अनुसार वो चुनाव लड़ना चाह रही हैं और उन्होंने बकायदा वो अपने स्कूल में जो शिक्षक का पद है उससे वीआरएस भी ले लिया था। तो कहीं ना कहीं एक जो आज की बैठक है वो काफ़ी अहम हो जाती है और इस बैठक में जो तीन नामों की पैनल तैयार किया जाएगा वो देखने के लिए होगा कि कौन कौन इन तीन नामों में शामिल होगा। और सप्ताह भर के भीतर यदि दूसरी बार चुनाव समिति की बैठक होती है तो उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बैठक कितनी अहम कांग्रेस के लिए है और आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के लिए है। जी बिल्कुल, मनोज मंडावी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और यहाँ से उनकी धर्मपत्नी सावित्री मंडावी का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि कौन प्रत्याशी होगा ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका गौरव जानकारी साझा करने के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक आज कांग्रेस चुनाव समिति की होने जा रही है और आपको बता दें सुबह 11:30 बजे राजीव भवन में ये बैठक होगी जिसमें प्रत्याशी चयन पर चर्चा की जाएगी।